साइबर सिटी गुरुग्राम के नाथोपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया। समाज द्वारा गांव नाथोपुर के मंदिर प्रांगण के साथ ही गुर्जर सम्राट की मूर्ति लगाई गई है। इस अवसर पर देश के कई इलाकों में गुर्जर नेता गुरुग्राम पहुंचे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद मनोज नगर की माने तो हमारा इतिहास पूर्वजों की गाथाओं से भरा पड़ा है। उनकी गाथाओं से युवा और आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने के लिए बहुत जरूरी है कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमाएं पूरे देश में स्थापित की जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को पूर्वजों के इतिहास का ज्ञान मिल सके। आज देश में गुर्जर समाज को पूरा मान सम्मान मिल रहा है, जिससे समाज का उत्थान हो रहा है। आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया था? आज का कार्यक्रम जो था वो था गुर्जर पट्टियाल सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण, जो कि किसी कारण हमारे नेता लगा लो या पहले के शासनकाल लगा लो, जो हमारे इतिहास को दबाया गया था। आज हमारे समाज में युवा पढ़ा लिखा हो चुका है और पढ़ा लिखा होने के बाद उन्होंने अपनी खोज की उन चीज़ों की, तो हमारे निकल के आए कि हम इस देश के राजा महाराजा रहे थे, आज हम पिछड़े हुए हैं, तो इस मूर्ति का अनावरण का आज का इसने किया। ये विवादित मुद्दा है देशभर में, यहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ना होमवर्क कंप्लीट नहीं है, और माफ़ी चाहता हूँ पत्रकारों से, ये तो नहीं कह सकते कि प्रश्न गलत है, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे कई बार बोला हूँ मैं, और 29 नवंबर 2021 को तमाम भारत सरकार के मंत्री और फुल हाउस भरे हुए में मैं इस बारे में बोला हूँ, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने NH अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की थी सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से, और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गैलरी की प्रधानमंत्री जी ने की थी, और तमाम जो आप कह रहे हैं विवादित राजपूत सब मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में मैंने बात रखी थी, और उसी दिन उसके बाद में देश में कोई भी विवाद नहीं हुआ, और जहाँ सबसे बड़ा इतिहास होता है पार्लियामेंट का, वहाँ मैंने तथ्य पेश करे, और उसके बाद पूरे देश में जितने भी गांव हैं तमाम गुर्जरों के गांव में ये मूर्ति लग रही है, ये मुद्दा है ही नहीं।